एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम राजस्थान में एक वैकेंसी आई है, कृषि पर्यवेक्षक, अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो वैकेंसी आई है ये करीब 800 प्लस सीटें हैं, 800 प्लस सीट्स हैं इसमें, और ये जो है हम इन बोर्ड पर भी मैं इसके चर्चा करूंगा। राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो 850 से अधिक वैकेंसीज हैं उसमें पहले हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे। यहाँ पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, इसमें क्या है कि 100 प्रश्न आएंगे आप सभी के। 100 प्रश्नों में आप सभी जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है आप ही के सब्जेक्ट कृषि यानी एग्रीकल्चर को दिया गया है। 60 प्रश्न जो है 100 में से 60 इसके जो है एग्रीकल्चर से संबंधित आएंगे, जिसमें पशुपालन भी है और आप ही के सब्जेक्ट से संबंधित है। दूसरा पार्ट है राजस्थान सामान्य अध्ययन। राजस्थान सामान्य अध्ययन में जो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप वगैरह तो है ही, भौतिक स्वरूप से मतलब है ज्योग्राफी है, और राजस्थान का जो है इतिहास है, साथ ही राजस्थान की कला और संस्कृति, तो राजस्थान के 3 पार्ट्स इसमें दिए गए हैं। 25 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का है, तो 75 नंबर का आपका जो है दूसरा पार्ट है राजस्थान सामान्य अध्ययन। तीसरा पार्ट इसमें हिंदी सब्जेक्ट रखा गया है, भाषा का ज्ञान होना चाहिए वैसे भी, तो हिंदी जो है 15 क्वेश्चन इसमें हिंदी के आएंगे 15, तो वेटेज देखिए 60 एग्रीकल्चर से संबंधित अन्य सब्जेक्ट हैं, 25 राजस्थान सामान्य अध्ययन और 15 हिंदी, तो कुल मिलाकर के ये 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, तो ये 300 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा मैं बोर्ड पर आपको दिखा देता हूं कि एक तो क्या है, सबसे एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर है कृषि पर्यवेक्षक, तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा वेटेज जो है एग्रीकल्चर वालों को उनके सब्जेक्ट का है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, और वो है 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट है राजस्थान जीके, 25 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के हैं, 25 प्रश्न, और तीसरा है हमारी राजभाषा हिंदी, हिंदी को हम हिंदी में ही लिखेंगे, अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, और ये इसके हैं 15 प्रश्न। कुल जो है आप सभी इनका योग कर दें तो कितने हो गए, 15 और 25 40 और 60 100, और जैसे कि मैंने कहा एक प्रश्न जो है 3 नंबर का है, तो कुल मिलाकर के ये आपका जो एग्जाम होगा तो वो 300 मार्क्स है, 300 नंबर का ये पेपर है, और आपने देख ही लिया कि किस प्रकार से वेटेज यहां मिला हुआ है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और किसी भी चीज को अगर हम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो या कोई और परीक्षा, आईएएस हो, आरएएस हो, या आपकी कोई भी बैंक से संबंधित परीक्षा होती है, तो उसमें सबसे पहले प्लान किया जाता है, और प्लान में कोई भी जो है रणनीति जब बनाई जाती है तो उस रणनीति का सबसे पहला हिस्सा है कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम मीन्स सिलेबस क्या है जो हम करने जा रहे हैं तैयारी, यानी हमें किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे और किससे कितने आएंगे, उन सभी का देखना है वेटेज, और उनसे संबंधित पुराने प्रश्न भी करने होंगे हमें, यानी पुराने जो पेपर्स आए हैं उनकी तैयारी भी साथ करेंगे, तब जाके ये हमें सफलता मिलेगी। और हम जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा पाठ्यक्रम पर नजर डालता हूं, क्योंकि मैं जो है आप सभी को राजस्थान जीके के बारे में समझाऊंगा, तो राजस्थान जीके के सिलेबस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सभी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे, मैं राजस्थान पढ़ाऊंगा तो राजस्थान जीके के बारे में सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए
यहां क्या है कि राजस्थान के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में राजस्थान सामान्य अधिनियम में जिन पार्ट को दिया गया है, राजस्थान जो पार्ट दिया गया है, पहले तो मैं उस पार्ट का बड़ा रूप बता, एक तो है भूगोल, दूसरा है इसमें राजस्थान का इतिहास, और तीसरा जो है राजस्थान जीके में वो है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति, ये तीन पार्ट से आप लोगों के जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 25 प्रश्न तीनों पार्ट से आएंगे। और जैसे कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, एक प्रश्न जो है 3 नंबर का है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है राजस्थान जीके के, अब सबसे पहले हम बात करें भूगोल, तो भूगोल जो है इसमें 4 या 5 टॉपिक भूगोल के भी, और जैसे कि हम जानते हैं कि एक तो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप क्या होता है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर किसी भी चीज की, जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, और इसी प्रकार से किसी भी मकान की स्ट्रक्चर हो सकती है, किसी खेत की संरचना हो सकती है, उसी प्रकार से राजस्थान का भौतिक स्वरूप का मतलब है राजस्थान दिखने में कैसा है, कैसे उसमें जो है आकार दिए हुए हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, जिले कौन कौन से, 33 जिले जो है वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। राजस्थान कितने राज्यों से लगता है, राजस्थान जो है किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। तो राजस्थान से ये जो सभी चीजें हम करेंगे, ये है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, तो उसके बारे में एक तो अध्ययन किया जाएगा राजस्थान के भूगोल। इसके बाद राजस्थान के भूगोल में एक चर्चा की गई है जलवायु, यानी क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु यानी राजस्थान के जो क्लाइमेट है वो कैसा है। वैसे तो हम हमारे माता पिता दादा दादी उनसे सुनते आए हैं कि राजस्थान की जलवायु जो है अत्यधिक गर्म जलवायु है, ठीक है। तो राजस्थान गर्म जलवायु क्षेत्र में आता है, परंतु और सिर्फ इतना ही नहीं, जलवायु के विषय में राजस्थान से संबंधित ऋतुएं कौन कौन सी है उन सभी की चर्चा इसमें की जाएगी। राजस्थान में 3 प्रकार की ऋतु आती है, गर्मी, सर्दी, वर्षा, उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। तो हम राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे, और जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहला टॉपिक जो मेरे हाथ में सिलेबस भी है, तो मैं उसी से देख के बता रहा हूं कि राजस्थान की भौगोलिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में मैंने बताया कि दिखने में कैसा है, जैसे कि राजस्थान एक पतंग के आकार का है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, पतंगाकार है। तो वो आकार के अलावा कौन कौन से राज्य इसको छूते हैं, कौन कौन से जो है कोई देश भी छूता है या नहीं, राजस्थान के पास कोई समुद्र है, अगर है तो कितनी दूर है, ये सब चीजें इस टॉपिक में आएंगी। राजस्थान का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी किनारा, ये सब पहले भौतिक स्वरूप में ही आता है। जलवायु की बात हम करेंगे तो राजस्थान की जो जलवायु है, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। एक इसमें टॉपिक रहेगा भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन का मतलब होता है कि राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी भाग कैसा है, यानी जो पार्ट्स है, अगर राजस्थान एक जैसा होता तो वो एक पार्ट होता, परंतु राजस्थान के उत्तर पश्चिम में रेगिस्तान है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में जो है पठारी भाग है, राजस्थान में मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एक डंडे के रूप में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है। अरावली पर्वतमाला, आपने कई बार ये शब्द तो सुना होगा, रंगीलो राजस्थान, मारो राजस्थान रंगीलो, इसका मतलब है हर रंग है, कला और संस्कृति में भी हर रंग है इसमें, हर तरह की। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो बोलियां बदल जाती हैं, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नजारा, मैंने खुद ने भ्रमण किया राजस्थान का काफी हद तक, और इतना सुंदर है कई जगह, इसको क्या है कि सरकारों के द्वारा इसको उठाया जाना चाहिए, इन बातों को उनकी विकास करना चाहिए, और उनको जो है पर्यटन का केंद्र बनाना चाहिए। राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है
वो रेगिस्तान से परिपूर्ण है, वहीं दक्षिणी भाग प्रकृति के इतना ज्यादा करीब है, पहाड़ हैं, उस पहाड़ों पे इतनी शानदार जो है मतलब घास उगती है जब बरसात होती है उस समय, और झरने इतने सुंदर सुंदर बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां भौतिक स्वरूप में ये सब चीजों का अध्ययन किया जाएगा, और जलवायु में राजस्थान की जलवायु गर्म जलवायु है, उसके अलावा उस जलवायु का प्रभाव राजस्थान में किस प्रकार से पड़ता है तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जलवायु जो है क्लाइमेट एक किसी क्षेत्र विशेष की ही होती है। भारत की जलवायु अलग होगी, राजस्थान का उसका पार्ट है उसकी अलग है, विश्व में अलग अलग देशों की जलवायु अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात है उस जलवायु का हमारी स्ट्रक्चर बॉडी पर भी बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि जलवायु का प्रभाव या किसी क्षेत्र विशेष के कारण कैसे पड़ता है। अगर हम देखते हैं भारतीय जो चेहरे हैं वो अलग हैं, ये एक आर्य प्रजाति है जो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान जर्मनी तक गई है, ये सारी एक पट्टी है जहां जलवायु का जो प्रभाव पड़ता है फेस पर। एक द्रविड़ होते हैं जो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द होते हैं तो थोड़े कम हाइट के होते हैं आर्यों से। एक आपने सुना होगा कि मंगोल जो जाति है उनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, चाइनीज कोरियन जापानी भारत में भी हैं, ये जलवायु का इफेक्ट होता है। और अगर आप यही चीज वेस्ट इंडीज के जो देश हैं 5-7 वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, ये कई बार पता भी नहीं होता स्टूडेंट्स को, वो कई देशों का समूह है, कम से कम 6 या 7 देश उसमें है वेस्ट इंडीज में। वहां के लोग जो है वहां की जलवायु का इतना है कि वो हाइट तो अच्छी होती है उनकी पर एकदम ब्लैक कलर के होते हैं, बाल एकदम घुंघराले होते हैं, होंठ भी बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो ये जलवायु का इफेक्ट पड़ता है। तो जलवायु राजस्थान की जलवायु है तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और जो भी इसकी वजह से जो ऋतुएं बनती हैं गर्मी सर्दी वर्षा वो भी हम चर्चा करेंगे, और कौन कौन से महीने गर्मी के हैं राजस्थान में, कौन कौन से सर्दी के, और कौन कौन से जो है वर्षा ऋतु के हैं, तो उनकी चर्चा हम यहां करेंगे। इसके अलावा जो है अगला टॉपिक है इसमें प्रमुख पर्वत, तो अरावली पर्वत ही है यहां प्रमुख, परंतु प्रमुख पर्वत कह दिया तो इसका मतलब है कि अरावली पर्वत की विभिन्न चोटियां या अरावली पर्वत के कारण जो प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र में उन चोटियों के बारे में हमें बताना पड़ेगा। सबसे ऊंची चोटी अरावली की जैसे कि गुरु शिखर है और वो माउंट आबू सिरोही जिले में पड़ती है, 1722 मीटर है, और वहां कोई पत्थर रखा हुआ है मंदिर तो 5 मीटर उसका जोड़ के कई बार 1727 मीटर आता है। गुरु शिखर शेर जरगा ये पहली 3 चोटियां हैं, इनके अलावा भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इन्हें अलग अलग कहते हैं। सीकर में हर्ष की पहाड़ियां हैं, ठीक है, उदयपुर में जरगा है, ठीक है, ऐसे कई जगह उनको नाम दिए गए हैं। नदियां देखिए, राजस्थान की नदियां जो है अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है, राजस्थान के अपवाह तंत्र का हिस्सा है, उस नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान में कुछ तो बारहमासी नदियां हैं जो हमेशा बहती हैं, और कुछ नदियां बरसाती नदियां, तो बरसाती नदियों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनके बारे में स्टडी होगी। तो मैंने आपको बताया पहला भूगोल जो है उसमें भौतिक संरचना है, भौतिक स्वरूप है, जलवायु है, नदियां हैं, प्रमुख पर्वत है, और मरुस्थल और फसले। देखो भूगोल में मरुस्थल उसके बारे में, ये थार का मरुस्थल है, इसके विषय में हम सारा कुछ चर्चा करेंगे, और फसलें ये आपको हर जगह ही मिलेगी। राजस्थान की कृषि में भी आपको फसलें करनी पड़ेंगी, और राजस्थान के भूगोल में भी। और मैंने यहां देखा था कि यहां जो है एक और टॉपिक राजस्थान जीके में दिया है, राजस्थान की कृषि और पशुपालन की शब्दावली, तो वहां भी थोड़ा सा चर्चा इनकी की जाएगी। तो भूगोल के ये टॉपिक कितने हो गए, भौतिक स्वरूप, जलवायु, मरुस्थल, फसलें, पर्वत और नदियां, ये 6 टॉपिक इसमें आएंगे ज्योग्राफी में। दूसरा इन्होंने दिया है राजस्थान का इतिहास, ये इसकी चर्चा हम इस साइड कर लेते हैं। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास में जो है ना आप देखेंगे कि प्रमुख व्यक्तित्व से पहले सभ्यताएं दी हैं। राजस्थान में बहुत सारी सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बागोर, बैराट, नोह, बांदाथन, सुनारी, बहुत सारी हैं, परंतु आपको इतनी छूट दी है कि मात्र 2 सभ्यताएं दी हैं, नाम लिखे हैं इनमें, कालीबंगा और आहाड़। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और वहीं आहाड़ राजस्थान के उदयपुर जिले में है, तो ये दोनों सभ्यताओं के बारे में हम यहां चर्चा करेंगे जब करेंगे। अभी नेक्स्ट जो है
राजस्थान में कई राजवंश हुए हैं, जैसे मेवाड़ में गोहिल या सिसोदिया, ठीक है, जयपुर या आमेर में कछवाहा। चौहान तो इतने सारे हुए हैं, शाकंबरी के चौहान, अजमेर के चौहान, नाड़ोन के चौहान, ठीक है, और कोटा बूंदी में हाड़ा चौहान, बहुत सारे चौहान हुए हैं। तो परंतु इनमें न एक भी चौहान वंश का एक भी शासक का नाम इसमें नहीं है, यानी पूरा वंश ही इसमें नहीं दिया। आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में है मेवाड़ का गोहिल या सिसोदिया वंश के तीन राजा, पहला महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को तो कौन भूल सकता है, हम लोग जो है पढ़ते हैं वो सभी जानते हैं, परंतु जो नहीं पढ़ते वो भी महाराणा प्रताप के विषय में जानते हैं, तो हम इसकी चर्चा भी करेंगे। हमारे दिल्ली का जो बस अड्डा है, जो पूरे भारत में जहां से बसें जाती हैं, पूरे भारत में अंतरराज्य बस अड्डा है वो, उसका नाम है महाराणा प्रताप अंतरराज्य बस अड्डा, ठीक है। तो बड़े बड़े क्षेत्रों में मतलब महाराणा प्रताप के नाम से जो है संस्थाओं के नाम रखे गए हैं। तो महाराणा प्रताप बहुत ही महत्वपूर्ण साहसी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम मतलब एक प्रकार से अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई, किसी के अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चाहे महाराणा प्रताप को जो है बच्चा अमर सिंह जो था, वनों में भी इनको भटकना पड़ा, अपने भवन इतने शानदार थे, महल थे, वहां से इनको छोड़ना पड़ा स्वतंत्रता के कारण। चाहते तो वो अधीनता स्वीकार कर लेते अकबर की और आराम से वहां जो है वो रह सकते थे, परंतु स्वाधीनता उनको बहुत प्रिय थी, इसी कारण से उनका नाम सर्वोपरि राजस्थान के शासक, राजस्थान के जितने भी शासक हुए उनमें सर्वोपरि है महाराणा प्रताप। हंदी घाटी का शेर के रूप में जाने जाते हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये तीन मेवाड़ के गोहिल वंश के राजा हैं। राव जोधा राम बांदेव, महाराजा जसवंत सिंह, ये तीन मारवाड़ के राठौड़ वंश के हैं, और मारवाड़ के राठौड़ वंश के तीन राजाओं के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है वीर दुर्गादास राठौड़। वो राजा नहीं थे किंतु फिर भी एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी व्यक्तित्व रहे हैं राजस्थान के, तो उनको भी हम भूल नहीं सकते। जयपुर के इन्होंने दिए हैं दो, एक तो अकबर के समय महाराजा मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम, और दूसरे हैं सवाई जयसिंह। 1727 में सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, 1727 में जयपुर की स्थापना इन्हीं सवाई जयसिंह ने की थी, और औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी थी। तो महाराजा मानसिंह, जिसको हम मिर्जा राजा भी कहते हैं, और आमेर के कछवाहा वंश के दूसरे हैं सवाई जयसिंह। तो दो ही शासक हैं, मेवाड़ के गोहिल वंश के तीन हैं, कुंभा, सांगा और प्रताप। जोधपुर के तीन शासक हैं, मानदेव और जोधा, मानदेव और जसवंत सिंह, और एक वीर दुर्गादास राजा नहीं होते हुए भी सिलेबस में रखे हैं आपके। बीकानेर के एक ही हैं महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने गंगानगर की स्थापना की थी 1927, 26 अक्टूबर 1927 को गंगानगर को की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने की थी। और ये जो हैं, इनके बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा, हमारे गंगानगर के संस्थापक भी वही हैं महाराजा गंगा सिंह। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल एवं खिलाड़ी इत्यादि, ये छोटे छोटे बातें हैं इसमें। तीसरा टॉपिक आ गया इसमें, वो भी राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की भूमिका क्या रही, ठीक है। टॉपिक का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान एवं राजस्थान का एकीकरण। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राजा महाराजा अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे, ऐसी स्थिति में जो है सरदार बल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री भी थे, उनको रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, और वीपी मेनन उनके साथ थे सचिव, इन दोनों ने मिलकर पूरे देश का एकीकरण किया, और साथ ही राजस्थान उस देश का ही हिस्सा है जिसे हम भारत कहते हैं। भारत जिसका नाम देते ही हमें एक प्राउड फील होता है, राजस्थान जो हमें प्राउड देता है, तो ये जो हमें जो गर्व प्रदान करते हैं उनके विषय में तो हमें अच्छी तरह जानना है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसकी क्या भूमिका है राजस्थान की,
वो भी बतानी पड़ेगी। अब तीसरा पार्ट, ये राजस्थान का इतिहास मैंने बताया, जिसमें एक तो सबसे पहले है सभ्यताएं, जो दो ही हैं आपके, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता, दो हैं। दूसरा जो मैंने पार्ट इसमें बताया था इतिहास में, वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है कि राजस्थान के जो कुछ प्रमुख शासक दिए हैं, नाम तो उन्होंने लिख दिए हैं, सभी के लिख दिए हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप मेवाड़ के, मारवाड़ यानी जोधपुर के हैं, राव जोधा, राव मानदेव, महाराजा जसवंत सिंह और वीर दुर्गादास। जयपुर के दो शासक हैं, मानसिंह प्रथम जो अकबर के समकालीन थे, और सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर की स्थापना 1727 में की थी। ठीक है, बीकानेर के एक ही हैं और वो है गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह। थे बीकानेर के राजा पर उन्होंने गंगानगर की स्थापना की थी। उन्होंने 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर जैसे ही आई, वही दिन है जो गंगानगर की स्थापना मानी जाती है, 26 अक्टूबर 1927। ठीक है, ये गंगानगर की स्थापना दिवस है। इनके अलावा जो है कुछ साहित्यकार, लोक कलाकार, वो इतिहास में नहीं आते, वो बाद के हैं। इतिहास से संबंधित एक टॉपिक है राजस्थान की भूमिका, जैसे 1857 की क्रांति है, भारत में हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ यूपी से, किंतु राजस्थान में भी फैली। राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी और 6 सैनिक छावनियों में से कुछ छावनियों में ये फैली। पहले ये फौज ने शुरू की, आर्मी ने, आफ्टर जो है जनता ने भी इसमें भाग लिया, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। ये टॉपिक थे। अगला आता है राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, उसके कौन कौन से टॉपिक है मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। ये मैं पेज इसलिए रखा है कुछ टॉपिक भूल ना जाऊं, नहीं तो मुझे पता था, लगभग सारे पता थे, किंतु कभी कभी हम कोई टॉपिक छूट जाता है, इसलिए मैं सारे आपको बता देना चाहता हूं और थोड़ा विस्तार से भी समझा देता हूं कि किस टाइप से इसमें है। विभिन्न राजस्थानी बोलियां, जो जैसे मेवाड़ी बोली है, तो हमें मेवाड़ी बोली नहीं याद करनी कि किस क्षेत्र में बोली जाती है, हमें याद करना है मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं दक्षिणी राजस्थान के, 5 जिले उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। इसको सम्मिलित रूप से प्राचीन समय में मेवाड़ कहा जाता था और यह शब्द बना है मेद पाठ से। मेदों को यहां पाठ दिया था, मेद जाति के जो थे विदेशी, उनको यहां समाप्त कर दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा मेदपाठ। और आप जानते ही हैं कि अपभ्रंश होते हैं शब्द, तो मेदपाठ से बन गया मेवाड़, और इसी क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। तो बोलियां जब करेंगे तो उनके क्षेत्र याद करेंगे, जैसे शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, शेखावाटी, तो शेखावाटी क्षेत्र याद कर लो, बोलियां अपने आप हो जाएंगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू शेखावाटी है, इस क्षेत्र में शेखावाटी बोली बोली जाती है, बस उन क्षेत्र को मैं आपको करवाऊंगा तो उससे आपको बोलियां भी साथ में हो जाएंगी। जैसे हमने बात की अभी अपभ्रंश, शब्द कई बार टूटते हैं, अपभ्रंश होते हैं, कई शब्द हिंदी में होते हैं तत्सम, जैसे प्रयोग किए गए थे शुरू में वैसे ही आज भी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं तत्सम। तद्भव, जो तत्सम से बदल जाते हैं उनका रूप दूसरा हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं तत्भव। अपभ्रंश शब्द बिगड़ ही जाता है बिल्कुल ही, जैसे घरों में नाम रखते हैं अपने, जब बच्चा होता है अगर पुत्र हो गया तो कई बार नाम राजकुमार रख देते हैं, अच्छा नाम है राजकुमार, परंतु उनके दोस्त, उनके कई बार तो घर परिवार के सदस्य ही बिगाड़ देते हैं, राजकुमार का क्या कर देते हैं, राजिया, राजूड़ा, ठीक है, ऐसे राजकुमार नाम था परंतु बिगाड़ दिया। हिंदी के ऐसे ही शब्द हैं जैसे पवन, पवन का मतलब होता है हवा, वायु, समीर, परंतु हम गांव में क्या कहते हैं, पून, तो पवन पून हो जाता है, इसी प्रकार से राजिया राजूड़ा हो जाता है, ऐसे ही मेवाड़ हो गया मेदपाठ से। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम करेंगे। बोलियां हो गई,
शब्दावली है कृषि पशुपालन की क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली, ये हमें कुछ तो समझाई जाएंगे, कुछ रटनी पड़ेंगी। 50 शब्दावली कर दो उसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। जैसे इसमें लिखा ना कृषि से संबंधित शब्दावली, तो मैं एक उदाहरण देता हूं। आरएस के एग्जाम में आया था गोफण, पूछा था गोफण क्या है, तो गोफण क्या है कृषि के उससे संबंधित है शब्दावली है। गोफण क्या होता है कि जो है एक चमड़े का बना हुआ होता है उसमें पत्थर रखा जाता है और खेतों में अगर कोई पक्षी दाने चुग रहा है, फसलों में दाने ही होते हैं कई बार, उन दानों को चुग करके खराब कर रहा है, तो वो गोफण घुमा करके फेंकते हैं तो पक्षी जो है सारे के सारे उड़ जाते हैं, दूर रह करके हम उस खेत की रक्षा कर सकते हैं, तो वो गोफण है। इसीलिए गोफण एक शब्दावली है, कई बार इसको गोपिया भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी शब्दावली है कृषि संबंधी शब्दावली, समझ गए। मैंने एग्जाम से ही उदाहरण दिया है, अपनी तरफ से नहीं दिया। गोफण क्या है आरएस के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है नोक देवी देवता, प्रमुख संत और संप्रदाय। बहुत ही शानदार टॉपिक है, आध्यात्म से ओतप्रोत है, हम जिन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं नोक देवी नोक देवताओं से, संतों से, ठीक है, और उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों से। तो बहुत ही अगर रोचक अंदाज में कोई बताएगा तो बहुत आध्यात्म का सा लगेगा और मजा आएगा करने में इस टॉपिक को। बाबा रामदेव जी हैं, बाबू जी राठौड़ हैं, ठीक है, तेजा जी जाट हैं, हम इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से और उनकी किस कारण से आज लोक देवता ये बन गए, सामान्य जन से लेकर के इतनी ऊंचाई पर इनको राजस्थान की जनता ने लोक देवता का दर्जा दे दिया, और कुछ है प्रमुख संत। अच्छा प्रश्न उठता है, आपका है कि आपके जो एग्जाम है ये 12वीं के बाद दे सकते हैं, तो इसलिए क्या है कि 12वीं के बाद जैसे ग्रेजुएशन होती है या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो बच्चे तो समझदार हो जाते हैं, परंतु 12वीं लेवल के बाद जब होता है बच्चा तो वो बच्चा होता है, बच्चा बुद्धि होता है, तो कई बातें उसने अनुभव नहीं की। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि लोक देवता और लोक संत में क्या अंतर है, बहुत बारीक अंतर है पर अंतर तो है ना। किसी को हम देवता कह देते हैं तो किसी को संत कह देते हैं, कोई तो फर्क है। तो ये टॉपिक बहुत ही रोचक है जिसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी मैं सिर्फ इसका आंसर दे देता हूं, राजस्थान में ऐसे महापुरुष जिन्होंने गायों और गरीबों की रक्षा के लिए युद्ध किए और कुछ ने तो अपने प्राण तक त्याग दिए, उन्हें हम राजस्थान की जनता ने लोक देवता का दर्जा दिया, ठीक है। लोक देवता किसे राजस्थान की जनता ने कहा, जिन लोगों ने गायों और गरीबों की रक्षा के लिए युद्ध किए, मतलब शत्रु जो सता रहा है उससे युद्ध किए और कुछ ने तो इन युद्धों में अपने प्राण तक त्याग दिए। कई लोग गायों को अगवा करने जाते थे, कई गरीबों को जो है बहुत परेशान करते थे, तो ऐसे राक्षस टाइप में पुरुष थे, तो उनको इन्होंने निजात दिलाई, उन्हें राजस्थान की जनता ने लोक देवता मान लिया। अब संत की बारी आती है, संत उसे कहा गया है राजस्थान में ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से जो है सही रास्ता दिखाया, लोगों को जागरूक किया, सच्चाई की तरफ किया, नैतिक मूल्यों को जो है बताया। नैतिक मूल्य थोड़ा भारी शब्द है, सभी के समझ में नहीं आएगा, तो सामान्य अर्थों में बताएं कि एक रास्ता दिखाया, जागरूक किया, उन लोगों को कहा जाता है महासंत या लोक संत। उन्होंने अपने संप्रदायों की स्थापना भी की है, तो यह टॉपिक बहुत ही मजेदार रहेगा। नेक्स्ट है प्रमुख लोक पर्व त्योहार मेले और पशु मेले। पशु मेले तो जब हम पशुधन करेंगे या पशुपालन तो उसी के साथ साथ पशु मेले हो जाएंगे। आप जानते ही हैं पशु मेलों का आयोजन राजस्थान में होता रहा है, पूरे देश भर में होता है समय समय पर, जिनमें कई लोग अपने पशुओं को दिखाने जाते हैं, उनके कर्तव्य दिखाते हैं, कई पर ज्यादा जो है वो इनकी क्रय विक्रय के लिए होते हैं। कई लोग अपने पशुओं को ऐसे स्थानों पर बेचते हैं, कई लोग खरीदने के लिए जाते हैं, तो पशु मेलों का आयोजन होता है। कई धार्मिक जो चीजें हैं धार्मिक हैं वहां पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, जैसे तेजा जी का मेला भरता है नागौर के पर्वतसर में, तो वहां तेजा जी पशु मेला जो है बहुत फेमस है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वीर तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर। तो जहां संप्रदाय है
या जो लोक देवताओं के मेले भरते हैं वहीं पर पशु मेले भी आयोजित होते हैं, वो आप संबंधित है कृषि विज्ञान, आपके पशुपालन भी है, 20 क्वेश्चन पशुपालन के भी आएंगे, उसमें भी कराया जाएगा आपको। आगे आता है राजस्थानी लोक कथा, लोक गीत एवं नृत्य, लोक नृत्य। देखिए लोक नृत्य का टॉपिक क्लासरूम में ऑनलाइन करवाया जाएगा, परंतु लोक नृत्य करके नहीं दिखाए जाएंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि यहां कोई लोक नृत्य करेगा नहीं। लोक नृत्य जो है अगर संभव हुआ तो इस बोर्ड पर दिखा देंगे कहीं से भी वीडियो, परंतु लोक नृत्य समझाए जाएंगे, क्योंकि मेरे से सामान्य नृत्य नहीं होता तो लोक नृत्य कैसे होंगे आप जान सकते हो। तो एक लोक नृत्य का टॉपिक भी है। मुहावरे कहावतें, ये कुछ तो उदाहरण देकर आपको समझाया जाएगा, मुहावरे और लोकोक्तियां जो है कहावतें जो कहते हैं लोग, फड़, फड़ एक चित्रकला का रूप है, वो मैं आपको बताऊंगा, फड़ जो है बाची जाती है। लोक नाटक, लोक नाट्य राजस्थान में अलग अलग भी प्रचलित हैं, जैसे ख्याल तमाशा, ठीक है, रामलीला रासलीला, उनके बारे में करेंगे। लोक वाद्य, वाद्य यंत्र राजस्थान में जो है वो है अलग अलग प्रकार के हैं, कोई तो है जो तारों से बजाया जाता है उसको हम कहते हैं तत्वाद्य, जिसमें धातु होती है उसको घनवाद्य कह देते हैं, और जिसमें थपक पड़ती है अनवद्य वाद्य। तो ये वाद्य यंत्र हैं, ढोलकी हो गई, तंबूरा हो गया, ठीक है, और वीणा हो गई, तो इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे लोकवाद्यों में। कठपुतली कला, ये बहुत छोटी सी एक कठपुतली आप जानते ही हैं, उस कला के बारे में कब जन्म हुआ, कहां हुआ, कैसे खेली जाती है, कौन कौन से इसमें कथाएं कही जाती हैं कठपुतली के माध्यम से। कठ काठ से बना है, काठ माने लकड़ी, ठीक है, लकड़ी के गुड्डे गुड्डियां होती हैं, पात्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है किया जाता है, करवाया जाता है। कठपुतली एक कला है जो यहां इसमें तार बंधे होते हैं हाथ में, तो वह इस प्रकार से करते हैं और उनसे करवाते। विभिन्न जातियां और जनजातियां, इसमें भी जातियों पर क्वेश्चन आते नहीं है पर करेंगे, जनजातियों पर आते हैं। जनजातियां मतलब कबीलाई, जो जिनको हम कह सकते हैं जो ना तो गांव में रहती हैं ना शहरों में, वो वनों में रहने वाली जातियां हैं। जन का मतलब होता है कबीला, बहुत पुराना शब्द है, ऋग्वेद में प्रयोग किया गया था, कबीले को जन कहा जाता था उस समय, ठीक है। तो जन माने कबीला, तो जो जिनों में यानी कि वनों से संबंधित कुछ है तो कबीलों में रहने वाली है, गुमक्कड़ होती हैं ये, एक स्थान पर नहीं रहते थे, अब तो आजकल रहने लगे, पहले एक स्थान पर नहीं रहते थे, समय के अनुसार कुछ 6 महीने यहां रहे, 3 महीने वहां रहे, कुछ ऐसे गुमक्कड़ यायावर वनों में रहने वाली, ठीक है, तो वो जातियां हैं, वो हैं जनजातियां। इंग्लिश का शब्द है शेड्यूल ट्राइब्स, ट्राइब का अर्थ ही कबीला होता है, तो समझ जाइए कि कबीलाई जातियां हैं, जिनमें हम मीणा सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की, भील दूसरे नंबर की है, ठीक है, गरासिया तीसरे नंबर की, मीणा भील और गरासिया, ये तीनों ही जनजातियां, जैसे मीणा तो है 49% कुल जनजातियों का और भील 45-46 के आसपास है, ठीक है, और 3% गरासियां, तो कहने का मतलब है तीन जनजातियां तो 98% है, 2% में बाकी सारी जनजातियां आती हैं, हम उनके बारे में करेंगे। स्त्री पुरुष के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान में कौन से जो है पुरुषों के आभूषण हैं, कौन से वस्त्र हैं उनके, स्त्रियां कौन से वस्त्र पहनती हैं और कौन से आभूषण पहनती है, कौन से आभूषण किस अंग से संबंधित है, जैसे यहां बोरदा पहना जाता है, ठीक है, कानों में यहां नथ पहनी जाती है, नथ के अलावा भी लंबे, तो ये बाजू में बाजूबंद पहना जाता है, तो ये पूछते हैं, एक बार मैंने देखा था सेकंड ग्रेड टीचर में आया था कि बोरदा कहां पहना जाता है, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, कई कई तो बहुत फेमस हैं उनको हम जानते हैं, पर कई ऐसे हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता, तो वो अपने क्लासरूम में हमें समझना होगा, बच्चों को समझना होगा। चित्रकारी एवं हस्तशिल्प कला, चित्रकला की विभिन्न शैलियां, भित्ति चित्र, प्रस्तर शिल्प, काष्ठ कला, मृदभाण यानी मिट्टी की कला, उस्ता कला, ठीक है, हस्त औजार और नमदे और गलीचे, ये सारे आर्ट हैं।
चित्रकारी भी आर्ट है। भित्ति का मतलब होता है दीवार, दीवार पर की जाने वाली चित्रकारी हो गई, शिल्प कला हो गई, छोटे छोटे जो है मूर्तियां बनती हैं उनमें बहुत बारीकी से होता है, उस्ता कला जो ऊंट की त्वचा पर की जाने वाली चित्रकारी, ऊंट की त्वचा पर उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो नाम अलग से दिया है उस्ता कला। नमदे गलीचे ये कहां बनते हैं, कहां के प्रसिद्ध हैं, ये हमें इसमें बताने ज्यादा कुछ वो नहीं है। स्थापत्य दुर्ग महल हवेलियां ये राजस्थान की स्थापत्य कला है। स्थापत्य यानी जिस कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे किसी चीज को बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई दुर्ग बनाते हैं, कोई महल बनाते हैं, कोई गढ़ बनाते हैं, ये सब चीजें बनाई जाती हैं जो, तो इसीलिए इसको स्थापत्य कला कहते हैं। और स्थापत्य कला जो है ये राजस्थान में मतलब इसके कोई जनक भी कहलाते हैं, और वो है, नाम पहले ही आ चुका है, महाराणा कुंभा, राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक कहे जाते हैं। और उनके समय में बहुत कुछ निर्माण हुआ। और वीर विनोद एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं श्यामन दास। वीर विनोद के लेखक श्यामन दास तो अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। तो राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा जो था वो था महाराणा कुंभा का समय, 1433 से 1468। संस्कार और रीति रिवाज, हर क्षेत्र के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं, गमी के त्योहार, गमी भी होती है, शोक संबंधी रस्में भी होती हैं। रीति रिवाज में खुशी के अलग आएंगे, सामान्य अलग आएंगे, और शोक संबंधी अलग आएंगे। आप सोच रहे हैं कि शोक या गम होता है उसमें कौन सा रिवाज, अगर किसी की राजस्थान में ये है, हमारे राजस्थान में कि अगर डेथ हो जाती है तो कुछ भोज का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है, मोसर जिसको कह देते हैं, मोसर किया जाता है। और मृत्यु से संबंधित बहुत सी जो है वो मैं आपको समय आने पे बताऊंगा। तो गमी के भी रिवाज होते हैं, ये नहीं है कि खुशी के ही हो। खुशी कैसे हो सकती है, मैरिज होती है तो खुशी है, ठीक है, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो राजस्थान में पुष्करणा ब्राह्मण है बीकानेर और जोधपुर साइड में, तो ये बहुत बड़ी रस्म मनाते हैं, पुष्करणा ब्राह्मण बीकानेर जोधपुर साइड में, जैसलमेर साइड में है ये। जब बच्चा शिक्षा प्राप्ति के लिए स्कूल में जाता है उसका फंक्शन है ना, 4-5 दिन मनाया जाता है, मैरिज का भी नहीं मनाते इतना। धार्मिक ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल से मतलब है जो धर्म के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है, जैसे कि ब्रह्मा नगरी किसे कहते हैं, अजमेर के पुष्कर को कहते हैं, अजमेर से 12 किलोमीटर दूर है पुष्कर, तो उसे हम कहते हैं ब्रह्म नगरी यानी ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के राजस्थान में 3 मंदिर हैं, पुष्कर अजमेर में है, छींज बांसवाड़ा में है, छींज बांसवाड़ा में है, और आसोतरा बाड़मेर में, ठीक है, 3 ही मंदिर हैं राजस्थान में ब्रह्मा जी के, परंतु इनमें भी ब्रह्म नगरी किसको कहते हैं, पुष्कर अजमेर को, तो वो धार्मिक स्थल में आ गया। अजमेर में धार्मिक एक और चीज है, अजमेर प्रॉपर दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, लोग वहां घूमने भी आते हैं परंतु धार्मिक उसके लिए भी आते हैं, धार्मिक आयोजन के लिए। पुष्कर में तो लोग बहुत प्राचीन समय से आ रहे हैं, पुष्कर बहुत प्राचीन नगरी है। और यहां तो एक और बात बता दूं, इसमें वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना ना इसके तट पे ही की थी, पुष्कर के किनारे बैठकर ही महाभारत ग्रंथ लिखा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा। तो वेद व्यास जी ने जो लिखी है, तो आप सोचिए कि महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, यह पता होना चाहिए हम सबको, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ श्लोकों की संख्या के आधार पर, 1,00,000 से ज्यादा श्लोक है उसमें, सबसे बड़ा ग्रंथ है। रचना कहां हुई है, पुष्कर। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में जैसे कि अब कोई हंडीघाटी है वो ऐतिहासिक स्थल है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि हंडीघाटी कहां है, राजसमंद जिले में है। हंडीघाटी क्यों प्रसिद्ध है, वहां युद्ध हुआ था इतिहास में राणा प्रताप, हम करेंगे तब भी बताएंगे, इसलिए ऐतिहासिक और धार्मिक। और इसके अलावा पर्यटन स्थल कौन कौन से है, कई घूमने के भी हैं, जैसे झीले हैं, मैं झीले टॉपिक नहीं दिया परंतु मैं झीले इसमें 5-6 झीले बहुत फेमस है, वो पर्यटन स्थल की वजह से मैं करवाऊंगा। झीले हमारे टॉपिक नहीं है परंतु पर्यटन स्थल होने के कारण, जैसे उदयपुर झीलों की नगरी है, लेक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं झीलों की नगरी उदयपुर,
तो वहां जैसमंद, रायसमंद, सॉरी जैसमंद, फतेह सागर, पिछोला, स्वरूप सागर, बहुत सारी जिले हैं, वहां लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, और वो पर्यटन स्थल के तौर पे जानी जाती हैं। तो जिले टॉपिक नहीं दिया परंतु नीचे दे दिया एक पर्यटन स्थल, तो वहां अपने आप ही आ जाएगा। तो सभी जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं इसको, आप समझ गए होंगे कि राजस्थान में तीन टॉपिक लेके हम चलेंगे, और वो तीन है भूगोल, जिसमें खुद में भूगोल में पांच टॉपिक अपने आप में ही है, भौतिक स्वरूप, जलवायु, मरुस्थल, फसलें, पर्वत और नदियां, छह टॉपिक हैं इसमें। इतिहास, इसमें कुछ राजाओं के नाम दे दिए हैं इतिहास में, पहले तो सभ्यताएं दी हैं आहड़ और कालीबंगा, प्रमुख शासक मेवाड़ के तीन शासक दे दिए, कुंभा, सांगा, प्रताप, जोधपुर के तीन शासक और वीर दुर्गादास दे दिए, जयपुर के दो ही दिए हैं, मानसिंह और सवाई जयसिंह, बीकानेर के एक महाराजा गंगा सिंह, बस यही है। इसके अलावा 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, ये इतिहास के कुछ टॉपिक हैं, और फिर कला और संस्कृति, ये सबसे ज्यादा पार्ट है। इसका मतलब 25 में से 10 क्वेश्चन कला और संस्कृति के ही आने वाले हैं, बाकी 15 में से 7 या 8 इतिहास के, और बाकी 7 बचे हुए भूगोल के आएंगे। तो मेरा मानना है तीनों ही करना है अपने को, परंतु संस्कृति का वेटेज ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको आज हमारे पहले एपिसोड में मैंने आपको अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में बताया, इसके पद जो हैं 800+ है, 852 है या ऐसा कुछ है, 850 के आसपास। तो ये आप सभी जो हैं, जो इससे संबंधित जो भर सकते हैं स्टूडेंट, वो इसको फॉर्म को भरें और मन लगा करके तैयारी करें। आपको सिलेबस के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, और इसके बाद हम कोई टॉपिक करेंगे तो उसका चर्चा हम सेकंड एपिसोड में करेंगे।